व्यक्ति के घर तक नली और गली योजना पहुंचाना है और दूसरा घर घर तक जल पहुंचाने का काम करना है। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होने जा रही है और इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में होगा। आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव से जुड़े कई सारे ऐलान किए। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में किस पद अधिकारियों को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर भी सम्राट चौधरी की तरफ से बयान दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने के प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद के मुख्य कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्ष 2024 तक पूरे बिहार में नली गली योजना और हर घर में शुद्ध जल की व्यवस्था कर दी जाएगी, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये तमाम तरह की बातें सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहना है सम्राट चौधरी का, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 2024 के पहले एक एक व्यक्ति के घर तक नली और गली योजना पहुंचाना है और दूसरा घर घर तक जल पहुंचाने का काम करना है। और इसमें जिनका कानून आदरणीय किशोर जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कानून बनाया है, अब अलग से डीडीओ के अलावे एक प्रमुख कार्यपालन पदाधिकारी को हम प्रतिनियुक्त करेंगे प्रत्येक ब्लॉक में, जो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के कामों को देखने का काम करेगा। उसी तरह जिला परिषद में तमाम साथी करते थे, क्यों विकास आयुक्त के पास भी बहुत सारा काम होता है, जिले में मनरेगा को देखना है, इंदिरा आवास को देखना है और अनुश्रमण का काम को देखना है, डीएम के नीचे वही सारे डेवलपमेंट के काम को देखते थे और पंचायती राज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती। लाखों लाख करोड़ों की संपत्ति जिला परिषद में है सब और उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हम मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी के तौर पर जिला परिषद में अलग से डिप्टी कलेक्टर से ऊपर के लोग, एडीएम के लोगों को हम देने का काम करेंगे, जिससे पूरा जिला परिषद आपके लिए सुचारू रूप से चलने का काम करे। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब बिहार में ईवीएम से चुनाव होंगे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इस सबके बीच अब सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार 2024 तक हर घर में पीने का शुद्ध पानी और साथ ही साथ नली गली योजना पूरी तरह से दुरुस्त करवाएगी और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर काम को सही स्तर से किया जाए। इसी को लेकर आज सम्राट चौधरी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।